स्वागत बंधन। आज हम शेमुषी प्रथमोभागा नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ये है भ्रांतो बालक और भ्रमित बालक संस्कृत गौण पाठावली से इसके पहले का जो भाग है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं इसके आगे का जो है वो पढ़ाऊंगी। तो जैसे ये इसमें दिया हुआ है सर्वे एवं निषिद्ध सह बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व सर्वकार्य निमग्नो भवति न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपं सहते न एतेभ्य यह मे तंद्रा लुटायाम उत्साह समापादिता अत स्वचोदितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालायाम् अगच्छत् तथा प्रभृति सा विद्या व्यवस्थी भूत्वा महती विदुषं तथा संबुदं च अलभत। शब्दार्थ समझे सर्व माने सर्वः एव माने सभी के द्वारा या इस प्रकार सभी के द्वारा इस प्रकार निषिद्ध माना मना किया गया अस्वीकृता भग्न मनोरथ है टूटी इच्छा खंडित काम सन होकर भूत्वा जगति संसार में या संसारे निमग्नो लोग हुए स्थितः कोऽपि मामेव कोई भी मेरी तरह कोऽपि अहमेव है वृथा व्यर्थम कालक्षेपम समयदितानं समयस्य यापनम मे माने मेरा या मम तंद्रालुतायां यानी आलस्य में तंद्रालु जनस्य भावे उत्साह घृणा कभाव घृणाय भर्त्सना समापादिता उत्पन्न कर दिया गया उत्पन्ना कृता अत अब अधुना स्वचुतम अपने योग्य स्वयोग्यम अगच्छत चला गया तथा प्रभृति तब से लेकर तदा आरभ्य विद्या व्यसनी यानी विद्या में लगा रहने वाला अध्ययनरता भूत्वा होकर स्वभावं कृत्वा महती बहुत अत्यंतम और तथाय ख्याति प्रसिद्धम संपदम धन या धन अनुवाद समझते हैं। सभी के द्वारा इस प्रकार क्या किया गया उसको मना किया गया जो बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर कैसे संसार में हर कोई अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं और कोई भी मेरी तरह क्या है व्यर्थ में अपना समय नहीं बिता रहा। वो चाह रहा था कि कोई ना कोई उसके साथ खेले लेकिन जिसको भी उसने बुलाया सबने उसको क्या कर दिया मना कर दिया। क्यों मना कर दिया क्योंकि सारे सब लोग अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए थे तो इसलिए उसने सोचा कि व्यर्थ में कोई मेरे साथ समय नहीं बिताता है। इन सभी को नमन है जिन्होंने मेरे आलस्य में यानी आलस्य के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया। मैं क्या हो गया था आलसी हो गया था मैं कार्य नहीं करना चाह रहा था लेकिन इन्होंने मेरे को सोते हुए को मतलब मेरे जो आलस्य है उसको जो मैं जो सो रहा था उसको जगा दिया उत्पन्न कर दिया और अब मैं अपने योग कार्य भी करता हूँ अब मैं अपने योग कार्य में भी करता हूँ ऐसा विचार करके शीघ्र वो कहाँ चला गया पाठशाला चला गया। तब से लेकर उसने विद्या में लगा रहने वाला होकर बहुत विद्वता ख्याति और धन प्राप्त किया। ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं। दिया है एक पदे उत्तरम लिखा एक शब्द में क्या लिखना है उत्तर लिखना। पहला दिया है कह तंद्रालु भवति कौन आलसी होता है आपका क्या है उत्तर बालक बालिका पुत्र बृजंतम मधुकरम अपश्यत कहां मतलब उसने जो भौरे को कहां घूमते हुए देखा तो पुष्प उद्यान यानी फूलों के बगीचे में के मधु संग्रह्य अवन कौन से फूलों के रस को इकट्ठा करने में मतलब कौन जो है फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए थे मधुकर यानी मोरे चटका तथा
शलाकादिकं आददगाति, किसके घास मतलब तिनके लाता, जो चिड़िया चिड़ा है वो किससे मतलब किसमें फंसाकर तिनके लेके आता, तो चंचुआ अर्थात अपनी चोंच से। चटका कस्य शाखायां नीडं रचति, चटका कस्य शाखायां नीडं रचति, किससे किसकी शाखा में घोंसला बनाता है, तो वट डुमस्य यानी वट की वट वृक्ष की उसमें शाखा में घोंसला बनाता है। बालिका कीदृशं स्वानं पश्यति, बालक कैसे मतलब कुत्ते को देखता है, तो स्वानं कीदृशं दिवसे पश्यति, कुत्ता कैसे दिन में घूमता है, तो विधान दिन से गर्मी के दिन में। फिर दिया देखिए आधुनिकता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा, जो प्रश्न कुत्ता है उसको आपको किसमें लिखना, संस्कृत भाषा में। पहले दिया है बालक कदा क्रीडतु अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए चला गया, तो बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडतु अगच्छत, जब बालक विद्यालय जाने के समय में वह कहां चला गया, खेलने चला गया। बालक से मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन, तो बालक के मित्र इसलिए जल्दी में थे, तो बालक से मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, बालक जो है मित्र के विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे, जो बालक के मित्र थे वो कहाँ जाने की जल्दी में थे, विद्यालय जाने की जल्दी में थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान, जो भौरे ने बालक के बुलावे को किस लिए नहीं मना, मतलब किस लिए नहीं माना, क्यों नहीं माना वो। मधुकरः मधु संग्रह्य आसीत् अतः सः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, क्योंकि जो भौरा था वो फूलों के रस को क्या करने में लगा था, इकट्ठा करने में लगा था, इसलिए उसने बालक के बुलावे को मना, मतलब जो वो बालक बुला रहा था तो नहीं गया, मना कर दिया उसने। चलिए आगे, बालिका कीदृशं चट्टं आवश्यक, बालक जो है उसने कैसे चिड़े को देखा, तो बालिका चंचुवा तृणशाला तृणशाला का भी दिक मादानं चट्टं, उसने बालक ने देखा कि एक जो चिड़ा है वो अपने चोंच से तिनके को क्या है ले जाते, उसने ऐसे चिड़ी को देखा। बालिका चटका है क्रीडनार्थम कीदृशं लोभं दत्तवान, बालक ने चिड़े को खेलने के लिए मतलब उसने क्या लालच दिया, उसने लालच दिया कि बालक चटका है क्रीडनार्थम स्वादु भक्ष भक्ष बलानां लोभं दत्तवान, उसने कहा यदि तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुमको स्वादिष्ट खाने मतलब जो ग्रास है वो स्वादिष्ट दूंगा, मतलब स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास का लालच उसने बालक ने दिया। खिन्नः बालकः स्वानं किम् अकथयत्, दुखी बालक ने जो कुत्ता था उससे क्या कहा, तो खिन्न बालक स्वानं अकथयत् रे मनुष्याणां मित्र किम् पर्यटसि अस्मिन् निगात दिवसे इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलं आशस्व अहमपि क्रीडा सहाय त्वमेव अनुरूपम पश्यामि, दुखी बालक ने कुत्ते से कहा देखो अरे मनुष्यों के मित्र इस गर्मी के दिन में इसलिए घूम रहे हो, इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो और मैं भी तुम्हारे जैसे ही खेलने के साथी को देख रहा हूँ, भोजन भग्न मनोरथा बालक ने मां चिंतित, दूती इच्छा वाले बालक ने क्या सोचा, भग्न मनोरथा बालक चिंतित अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति नापुमपि नावे वृथा कालक्षेपं सहते अति स्वचितं अहम् अपि करोमि, उसने प्रतीक्षा वाले ने सोचा कि इस संसार में हर व्यक्ति क्या कर रहा, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरी तरह क्या नहीं कर रहा, व्यर्थ में समय नहीं बिताता है और अब हमें अपने योग्य कार्य में भी मतलब मैं अपने भी अपने योग्य कार्य करता हूँ, ऐसा उसने सोचा। अब देखिए इसमें आता है निम्नलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा वाली कर, यानी आपको हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है, तो यो मां पुत्री पुत्र प्रीत्या पुष्यति स्वमा स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा रक्षाणि योग कारणान् माया भ्रष्ट व्यमीश दपि, तो जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है स्वामी के घर में रक्षा करने में मतलब के कार्य में लगे होने से मेरा द्वारा थोड़ा सा भी यदि वहां से मुझे हटना नहीं चाहिए। इस श्लोक में कुत्ते के माध्यम से कर्तव्य पालन की भावना की अभिव्यक्ति की गई है, जिस प्रकार एक कुत्ता कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वामी के प्रति वफादारी दिखाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। भ्रांतो बालक की कथायां सारांश हिंदी भाषा आंग्ल भाषा लेकर,
भ्रमित बालिका इस कहानी का सारांश हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में आपको लिखना है। क्या आएगा? देखिए, कोई भी भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकलता है, परंतु उस समय विद्यालय जाने की जल्दी में होने के कारण कोई मित्र, जो मतलब कोई भी जो उसका जो साथी है, जो मित्र है, उसके साथ इस प्रकार से जो उसके मित्र है वह कोई खेलने नहीं आता। वह बगीचे में पहुंच कर वहां के प्राणियों के साथ भी खेलने का निश्चय करता है, साथ तथा वह भौरे को खेलने के लिए बुलाता है। किसको बुलाता? सर्वप्रथम भौरे को, परंतु जो भौरा है वह तो इस प्रकार जो भौरा है फूलों का रस इकट्ठा करने में लगा होता है, और इस कारण से वो उस बालक के साथ खेलने के मना करती है। इसी प्रकार जो चिड़िया है घर के अपने चिड़ा मतलब है वो भी घोंसला बनाता है, कुत्ता अपने स्वामी की रक्षा के कारण लगा होता है, इस कारण खेलने से सब मना कर देते। अंत में उस बालक को भी यह आभास होता है कि जब सभी अपने कार्य में लगे हैं तो वह अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है, तब वह भी पढ़ने के लिए क्या करता है, विद्यालय चला जाता है। स्थूल पदार्थ अधिकृत प्रश्न निर्माण के लिए आते हैं परीक्षाओं में, तो स्वादुनी भक्ष कव भुलानी ते दास्य, स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास तुम्हें देते हैं, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना। तो क्या आएगा यहाँ पर? क्री दिशानी भक्ष भक्षक वलानते दास्य हूँ, कैसे खाने के ग्रास तुम्हें दूंगा। चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसी तेरा अपने कर्म में लगा हुआ था, तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा? चटका कस्मिन व्यग्रह आसी किसमें, कस्मिन यानी किसमें। फिर है कुंभरा मनुष्याणाम मित्रम आसी, कुत्ता जो होता है मनुष्यों में होता है, इसका प्रश्न निर्माण क्या? कुकुरा केशाम, केशाम माने किसका। फिर है समहतीम वैदुषी वैदुषी लब्धवान, उसने बहुत विद्वता प्राप्त किया, प्रश्न निर्माण क्या आएगा? सा कीदृशी यानी कैसी, ठीक है, उसने कैसी विद्वता प्राप्त की। रक्षा नियम करनात् मया नाम भ्रष्टव्यम इति, रक्षा के कारण लगे होने से हमारा थोड़ा भी हटना नहीं चाहिए, या प्रश्न निर्माण इसका है कस्मा मया नाम भ्रष्टव्यम इति। फिर है एतेभ्य नमः इति उदाहरण मनुस्मृति नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचमा भवति पंच वाक्यानि रचत, आपको मतलब इसमें जो दिया हुआ है इनको नमस्कार है, इस प्रकार उदाहरण के अनुसार नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पांच वाक्यों की रचना करते हैं, कि कैसे हुआ, जैसे गुरुवे नमः, नमः नमः शिवाय, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, चतुर्थी विभक्ति है इसका, अध्यापकाय नमः, ठीक है। चलिए इसके आगे काय स्तंभे दत्तानि काय स्तंभे तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम विग्रह, ये जो काय स्तंभ में पद और काय स्तंभ में इनके विग्रह दिए वो क्या करना है आपको, सही करके लिखना है। तो ये दिया है काय स्तंभ और ये दिया है काय स्तंभ, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? दृष्टि पथम, क्या आएगा? दृष्टि पथम, तो क्या आएगा? दृष्टे पंथा पुस्तका पुस्तक दासा, पुस्तक दासा, तो क्या आएगा? पुस्तका नाम दासा। विद्या व्यसनी, ठीक है, तो विद्या व्यसनी, व्यसनी का आएगा तो क्या है? विद्याया व्यसनी। पुष्प उद्योग पुष्पोद्यान, पुष्पोद्यान क्या है? पुष्पाणा उद्यान। अब यहाँ दिया है अधोलिखितेषु पदे पदयुग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष विशेषण पदम विशेष पदम च पृथक पद, यानी आपको अलग अलग करना, ठीक है, जो नीचे लिखे शब्दों में जो जोड़ों में एक विशेष पद और दूसरा क्या है विशेषण को क्या करना, विशेषण और विशेष दोनों को अलग लिखना है। तो क्या जैसे खिन्ना बाला, तो खिन्ना विशेषण है और बाला विशेष है। पलाय मानम स्वामी, पलाय मानम और स्वामी विशेष। प्रीता बालिका, बालिका तो प्रीता जो विशेषण हो गया, बालिका जो हो गया विशेष हो गया। स्वादिनी भक्षक वलानी, ठीक है, तो स्वादिनी ये विशेषण हो गया, भक्षक वलानी जो हो गया वो विशेष हो गया। त्वर्माणा वयस्या, तो त्वर्माणा जो हो गया वो विशेषण में आ गया और वयस्या जो है वह विशेष में आ गया। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो भंत वाला पाठ था उसके जो कुछ अंश प्रश्नोत्तर वगैरह थे उनको मैंने आप लोगों को समझा, परीक्षा के लिए इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, कॉपी में देख लेंगे। धन्यवाद।